हमने पॉलीफेरा के बारे में तो बात कर ली कि 5,000 स्पीशीज में 150 वो थी, इसमें से सिमेट्री न्यूटिन में बारी एयर पॉली कॉन्कोडर मिस एनकोडर और ये इंडलर ऑस्टियम ओलियम इस सब के बारे में हमने बात करी 20% वो और ये फिर हमने बात की फाइलम कोलेंटिरोन और कैनिडेरिया सैनिडेरिया कोलेंटिरेट हैव स्पेशल सेल्स कॉल कैनिको साइट्स दे आर आल्सो गिव द नेम ऑफ सैनिडेरिया कैनिको साइट्स सेल गिव रेस टू द सेल गिव रेस टू नेमेटोसाइट्स नेमेटोसाइट्स आर स्टिंग सेल्स इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइलम रेडिएटा की बात करेंगे, पहले हमने पॉलीफेरा की बात की। फाइलम रेडिएटा, फाइलम रेडिएटा क्या है वो, कह रहा कोलेंटिरोन हैव स्पेशल सेल कॉल कैनिकोसाइट्स, कोलेंटिरोन के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कैनिकोसाइट्स कहते हैं, सो दे आर आल्सो वो गिव द नेम ऑफ सैनिडेरिया, इनके पास जिनको कैनिकोसाइट्स कैनिडोसाइट्स कहते हैं, कोलेंटिरोन के पास स्पेशल सेल्स होते हैं कैनिडोसाइट्स कहते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड गिव द सैनिडेरिया सैनिडोसाइट्स गिव रेस टू द गिव रेस टू नेमेटोसाइट्स नेमेटोसाइट्स आर स्टेनिंग सेल्स इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप स्टेनिंग सेल्स नेमेटोसाइट्स इसकी फीचर्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फॉर्म ऑर्गन्स दे शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फॉर्म ऑर्गन और ऑर्गन बनाते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक ये डिप्लोब्लास्टिक है टू जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट द आउटर लेयर इज एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज एंडोडर्म ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टू लेयर इन टू लेयर से तमाम पार्ट ऑफ द बॉडी बनते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं टू जर्मिनल लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द आउटर लेयर इज एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज एंडोडर्म ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टू लेयर्स एक्टोडर्म फॉर्म द आउटर कवरिंग सम सेल्स of the ectoderm form nematocytes endoderm cells form inner layer of the enterons enteron ke inner layer banate hain endoderm cells ectoderm come from the nematocytes some cells of the ectoderm form nematocytes some cells of ectoderm ke cells in nematocytes banate hain acha these cells are specialized for the digestion of the food inner layer of the enterons isme enterons hote hain isme nematocytes jo ke ectoderm se milte hain enteron mein special digestion of food mein hamari हेल्प करते हैं। उसके बाद मीसोग्लिया इज अ जेली लाइक ए सेलुलर मैटर प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स मीसोग्लिया इज अ जेली लाइक ए सेलुलर मैटर मीसोग्लिया उसमें प्रेजेंट था इसमें भी प्रेजेंट है उसमें तो हमारे पास फिर दो स्पीक्यूलीज और एक और हमारे पास दूसरा वो था क्या नाम है इसका एमोबॉइड सेल्स वो भी इसमें मौजूद थे लेकिन इसमें मौजूद नहीं है वो स्पीक्यूलीज और एमोबॉइड सेल्स एमोबॉइड सेल्स। फिर हम यहाँ पे मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में जो के इसमें फिर ये था ना एमोबॉइड सेल्स का ये था कि स्पर्म जो मूव करता है द एंटरन को दे एंटर द स्पंजोकोइल एंड द कैरिड इज एग बाय एमोबॉइड सेल के जरिए एंटर होता था। यहाँ पे था हमारे पास जो डिप्लॉइड है टू बाई लेयर है एक्टोडर्म एंडोडर्म है मीसोग्लिया है इसमें अच्छा नेमेटोसाइट्स की फीचर्स हैं एक्टोडर्म से इसकी नेमेटोसाइट बनते हैं और एंडोडर्म से इसके बाद एंटेरॉन्स बनते हैं जो कि फूड डाइजेशन के उसमें अमल करते हैं सही है। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो वो है वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बड़ा कारामद साबित हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम कोलेंटिरेट्स हैव सैक लाइक इनका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो तो मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कि हमने बात की थी शुरू में ही हमने इनकी बात की थी या लास्ट में बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कि मतलब कोई ख़ास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था इनके पास ना। और हम फिर एक बार दोबारा से देख लेते हैं
इनके पास बहरहाल सैकलाइट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देर इज ओनली वन कैविटी इन दिस एनिमल्स, इन एनिमल्स सिर्फ एक कैविटी होती है। इट एक्ट हैज बोथ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव एंड बॉडी कैविटी, जो कि डाइजेस्टिव और बॉडी कैविटी के तौर पर कमी करते हैं। द बॉडी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आर एंटीरोन, इसे को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटीरोन कहते हैं। इट ओपन आउटसाइड बाय ओनली वन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, ये एक ओपनिंग के जरिए बाहर खुलता है जिसको माउथ कहते हैं।